नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि जो मैंने मनी प्लांट वाली वीडियो अभी 6-7 दिन पहले डाली थी, तो उसमें मैंने ये बोतल दिखाई थी सॉस वाली, जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाई भी थी। तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये बोतल मैंने कैसे बनाई, मैं बनाना बताऊं। तो इसी के ऊपर आज मैं बात करूँगी और आपको बनाना बताऊँगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए कि आप वेस्ट सॉस की बोतल से कैसे एक सुंदर बोतल बना सकते हैं अपने मनी प्लांट लगाने के लिए, या फिर कोई भी इसमें फ्लावर लगा सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है ये। कांच की बोतल होती है तो इसका कांच भी बहुत मजबूत होता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमारी बोतल तैयार होती है। तो बहुत ही सिंपल है, आप वीडियो पूरा देखिए। देखिए, ये है वो पहली वाली बोतल जो मैंने उस वीडियो में दिखाई थी, और जो आपको बहुत पसंद आई और सबके बहुत कमेंट्स आए कि ये बोतल मैं फिर से बनाना बताऊं कि कैसे मैंने इसको बनाया। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो 6-7 दिन ही हुए हैं उस वीडियो को, और आप सभी ने मनी प्लांट की वो वीडियो बहुत पसंद की है, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको इसकी जो 6 दिन पहले मैंने कटिंग लगाई थी, इसका रिजल्ट भी दिखा देती हूँ साथ के साथ। तो 6-7 दिन ही हुए हैं उस वीडियो को, तो तभी मैंने ये दोनों कटिंग्स इसमें लगाई थी। देखिए कितना इजी टू ग्रो है ये। इसमें से नई पत्ती निकली है, तो मैं समझ गई हूँ कि इसकी रूट्स स्टार्ट हो गई हैं। देखिए इसकी जो वाइट ये दिख रही है, ये नई रूट है, और कितनी लंबी बन गई है 6-7 दिन में ही। तो और दूसरे वाले में भी दिखाती हूँ मैं, देखिए दूसरे वाले में भी देखिए वाइट जो निकल रही है, नई इसकी जड़ बनी है, और ये पानी की जो होती हैं ये सफ़ेद होती हैं जड़, और नया पत्ता भी निकलने वाला है। तो कितना आसान है इसको लगाना। तो ये बोतल उससे थोड़ी बड़ी वाली है, तो इसको आज मैं बताऊँगी। देखिए इसके लिए हमें एक्रेलिक कलर लेने होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, और किसी भी किताब की दुकान पर, बुक शॉप पर आराम से मिल जाएंगे, इस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ घास बनाएंगे, घास जैसे, मतलब ग्रीन कलर से, ताकि हमारी बोतल बहुत अच्छी लगे नीचे से, घास जैसा एक बिल्कुल लुक आएगा और अच्छी भी लगेगी दिखने में। तो इसके लिए पतला वाला ब्रश लिया है मैंने, और अब मैं इस पर घास जैसे बनाऊंगी, जैसे कि घास होती है ऊपर की तरफ ऐसे उठा हुआ, इस तरह से। तो इस तरह से आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल है। ग्रीन कलर से आपको इस तरह से घास जैसा आकार देते हुए जाना है, और बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो इस तरह से पूरे पे मैं चारों तरफ इसके पूरे बना लूँगी जल्दी से, और नीचे से पूरा आपको ग्रीन करते हुए जाना है, ताकि बिल्कुल अच्छा लगे, और ऊपर की तरफ एक बिल्कुल शेड जैसे आकार देना है घास की तरह। देखिए चारों तरफ से हो गया है, और ये पूरी तरह से घास बन गई है। अब मैं इस पर बनाऊंगी ब्रांच, जिस पर मैं फूल बनाऊंगी। तो इससे आप अपने हिसाब से जितनी ज़्यादा ब्रांच बनाएंगे, उतने ही ज़्यादा हम फूल बना पाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें से एक में से 2-3 ब्रांच निकाल कर छोटी बड़ी इस तरह से बनाएँ, ताकि हम इस पर ज़्यादा से फूल बना सकें और हमारी बोतल अच्छी लगे। तो बन गई हैं सारी, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे पत्तियाँ, बहुत ही आसान है। इस तरह से ब्रश को बस करना है, ग्रीन कलर से पत्तियाँ बना देनी है। आपको जितनी बनानी हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं पत्तियाँ। देखिए बन गई हैं इसकी सारी पत्ती। इसके बाद, पत्ती बनाने के बाद, हम येलो कलर से छोटे छोटे डॉट बनाएंगे। देखिए जहाँ पर हमें बड़ा फूल बनाना है तो बड़ा वाला डॉट बनाना है, जहाँ हम छोटा बनाना है फूल, वहाँ पर हमें छोटा बनाना है सर्किल एक, ताकि वो फूल का बीच वाला हिस्सा होगा। इस तरह से सर्किल बना लिए हैं मैंने बीच बीच में। अब मैं इस पर फूल बनाऊंगी लाल रंग से, आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं, मुझे लाल रंग अच्छा लगता है इसलिए मैं लाल बना रही हूँ। देखिए इस तरह से ब्रश को रखना है, ऊपर से थोड़ा चौड़ा रखना है और नीचे से थोड़ा पतला रखते हुए हमें फूल बना लेना है। आप कोई भी, किसी भी तरह का फूल बना सकते हैं, आप कोई भी और डिज़ाइन भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से इसको रेड कलर का मैं फूल बनाऊंगी इस पर सारे। तो ये बड़ा वाला फूल बना रही हूँ मैं। इसके बाद मैं एक आपको छोटा बनाकर भी दिखाऊँगी, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ।
बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी से हो जाता है। और हमारी वेस्ट सोर्स की बोतलें काम भी आ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देखिए बन गया है। ऐसे ही हम छोटा वाला बना लेंगे और चारों तरफ इसी तरह से बनाने हैं हमें। तो छोटा वाला भी बना लेती हूँ मैं जल्दी से। देखिए इस तरह से उसको थोड़ा छोटा लेते हुए हमें बनाना है, जैसे हमने उसको थोड़ा बड़ा बनाया था, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे। तो बन गया ये भी। इसी तरह से मैं चारों तरफ बना लूँगी, जहाँ जहाँ भी मैंने डॉट बनाए हैं येलो कलर के। देखिए सारे बन गए हैं हमारे, जितने भी येलो कलर के मैंने डॉट बनाए थे उन पर मैंने सारे पर फूल बना लिए हैं। अब इसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर का जो इसका ये मुंह है, इसको भी रेड कलर कर देते हैं। इसके बाद अब बीच में जो येलो कलर है उस पर हम ब्लैक कलर की बूंद लगाएंगे और सब पर इसी तरह से लगा लेंगे, क्योंकि इससे अच्छा लुक आएगा, बहुत ही अच्छी दिखेंगे ये फूल। तो सारे देखिए मैंने कर लिए हैं बीच में से ब्लैक डॉट। इसके बाद हम फूल पर करेंगे थोड़ा थोड़ा शेड वाइट कलर से। आप किसी भी कलर से कर सकते हैं और रंग बिरंगे फूल भी बना सकते हैं अलग अलग कलर के, तो और अच्छे लगेंगे। इस तरह से वाइट शेड से थोड़ा रेड और वाइट का बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन आता है। और इसके बाद पत्तियों पर किसी भी कलर से आप थोड़ा सा पत्तियों जैसा आकार दे दीजिए इस तरह से, ताकि ये और थोड़ा अच्छी दिखने लगे। तो देखिए पूरी तरह से हमारी बोतल बन गई है, आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी भर लिया है। और ये एक्रेलिक कलर बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, इनकी बहुत ही बढ़िया बात है। और रखी हुई कितनी सुंदर लग रही है ये, आप कहीं भी इसको टेबल पर अंदर अपने घर में रखें तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लगती है। दो मैंने टहनियाँ ले ली हैं मनी प्लांट की, मैं इसमें लगा दूंगी। ये 4-5 दिन में ये भी चल जाएंगी। आप चाहें तो इसमें फ्लावर भी लगा सकते हैं, रियल फूल भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से आप इस बोतल को बना सकते हैं और आपकी ये बेकार की सॉस की बोतल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो इसका। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप देख पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।